हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो गाइस आज आता है 23rd of March और है वेनसडे। आज हम जो द हिंदू में एडिटोरियल्स आते हैं उनको कवर करेंगे, लेकिन आज की तारीख से 23rd of March से सिर्फ एक ही एडिटोरियल जो है वो इम्पोर्टेंट आया है, इसको देख लेते हैं। तो एडिटोरियल है ए ब्लो टू इक्विटेबल्स एक्सेस टू एसेंशियल मेडिसिंस, यानी कि जब कोविड-19 चला था तो उस दौरान US पर पेटेंट था कि वो मेडिसन्स वैक्सीन्स को बना सकता है। तो इस चीज़ को ही लेकर ऑथर्स ने कहा है कि इंडिया को भी ये इसमें छूट मिलनी चाहिए कि हम क्या करें, हम भी वैक्सीन्स को बना सकते थे उस टाइम पे और अब भी बना सकते हैं। तो इसके ऑथर हैं विश्वजीत धर एंड KM गोपाल कुमारा। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आपको एक प्रोफेसर देखने को मिलेंगे सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज़ एंड प्लानिंग स्कूल ऑफ स्कूल साइंस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। KM गोपाल गोपा कुमार इज़ ए सीनियर रिसर्चर एंड लीगल एडवाइज़र थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क से देखने को मिलेंगे। अब समझते हैं कि एडिटोरियल्स में ऑथर्स ने क्या बताया। ये बताया कि जब कोविड-19 पेंडेमिक हाइट पर था अक्टूबर 2020 में, तो उस टाइम पे क्या था, बहुत सारी कंट्रीज़ पर जो था अवेलेबिलिटी नहीं थी। किस चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं थी, वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी कि हम उनको सिर्फ अफोर्ड कर सकते थे, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे हैं US उससे सिर्फ हम अफोर्ड कर सकते थे, इम्पोर्ट करा सकते थे, अपने कंट्रीज़ में इंडिजीनियसली बना नहीं सकते थे क्योंकि उस पर US ने क्या कर रखा, पेटेंट ले रखा था। इसी दौरान इंडिया और साउथ अफ्रीका ने एक प्रपोजल डाला WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को पेटेंट को में थोड़ी सी छूट देनी चाहिए, ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट में छूट देनी चाहिए, प्रॉपर्टी राइट्स में यानी कि ट्रिप्स में छूट देनी चाहिए। टाइमलाइन क्या है, देयर कंटेंशन वाज दैट द एप्लीकेशन एनफोर्समेंट ऑफ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर भी क्या देनी चाहिए, छूट देनी चाहिए, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो होते हैं जैसे किसी ने किसी चीज़ पर कॉपीराइट ले लिया, किसी ने किसी चीज़ पर पेटेंट करा लिया, तो उस चीज़ में थोड़ी सी छूट देनी चाहिए। ये क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं, यानी कि अपने ही कंट्रीज़ में इंडिजीनियसली क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, इसको क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं। अब यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा कि हम 18 मंथ लेटर 164 मेंबर्स ऑफ WTO कुड नॉट फाइंड कॉमन ग्राउंड ऑन द वेवर प्रपोजल, यानी कि जब WTO के ऊपर प्रपोजल डाला गया इंडिया और साउथ अमेरिका की तरफ से, तो उसने क्या कहा कि जो प्रपोजल था उसको भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने प्रपोजल दिया कि वैक्सीन्स में पेटेंट में थोड़ी सी छूट देनी चाहिए, लेकिन वो इस चीज़ को कर नहीं पाए। तो इसलिए ही यूरोपियन यूनियन ने एक लाइसेंस निकाला जिसमें एक सॉल्यूशन निकाला। किस चीज़ का सॉल्यूशन, कि हम क्या करेंगे, यूरोपियन यूनियन ने कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में, इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में सॉल्यूशन निकाला और इस चीज़ को लेकर डिटेल्स में कहा कि हम क्या करेंगे, एक कंपनसेशन दे देंगे, यानी कि कॉम्प्रोमाइज आउटकम्स ला देंगे जिसके अंदर WTO में थोड़ी सी छूट दी जाएगी कि आप पेटेंट के द्वारा भी, यानी कि US में जो पेटेंट ले रखे हैं वैक्सीन्स के ऊपर, उनके अलावा भी आप अपनी कंट्रीज़ में वैक्सीन्स को बना सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज आउटकम बोलते हैं। लेकिन इस चीज़ को लेकर ही ऑथर ने कहा कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो पेटेंट में ही छूट चाहिए थी, इसमें सिर्फ थोड़ी बहुत ही छूट मिलेगी मेडिसिंस में, फार्मा सेक्टर में। तो इस चीज़ के लेकर ही आर्टिकल है कि ऑथर्स ने कहा कि हमें पेटेंट में ही छूट चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज से। वाइल अपोजिंग द कंसेप्ट ऑफ वेयर ऑफ एप्लीकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ IPRs द UN हैज प्रपोज इन सबमिशन इन June 2021, यानी कि उसके अपोजिशन में जब इंडिया और साउथ अमेरिका ने प्रपोजल डाला था उसके अपोजिशन में ही सिर्फ यूरोपियन यूनियन ने क्या कर दिया, एक कॉम्प्रोमाइज आउटकम्स दे दिया इंडिया और साउथ अफ्रीका को, किसके कंपैरिजन में, IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के कंपैरिजन में, कि आप एक लाइसेंस लो जिसके द्वारा आप अपने ही कंट्रीज में किस चीज़ को, वैक्सीन्स वगैरह को बना सकते हो। इस चीज़ को ही सपोर्ट किया है US ने, सपोर्ट किया है और बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस चीज़ को सपोर्ट किया है, क्वाड की कंट्रीज़ ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया है। अब देख लेते हैं लाइसेंस क्या है। लाइसेंस में पेटेंट्स लो लगेंगे इंक्लूडिंग दैट ऑफ इंडिया अलाउ फॉर द ग्रांट ऑफ ए कंपल्सरी लाइसेंस, एक लाइसेंस लेना पड़ेगा जिससे हम पेटेंट होल्डर के प्राइजेस पर थोड़ा सा कम कर सकते हैं और उनकी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ को कम कर सकते हैं। इस चीज़ को जो US ने अपने ही कंट्रीज़ में सिर्फ उसके राइट्स ले रखे हैं, पेटेंट बना रखा है वैक्सीन्स को, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को मोनोपोली राइट्स बोलते हैं, यानी कि सिर्फ अपने आप ही किसी चीज़ को करना, उसको मोनोपोली राइट्स बोलते हैं।
क्वाड कंट्रीज ने भी इस चीज़ का प्रपोजल दिया था कि किसी भी तरीके से क्या हो पेटेंट में थोड़ी सी छूट दी जाए, लेकिन उस चीज़ पर ही यूरोपियन यूनियन ने कॉम्प्रोमाइज आउटकम दे दिया कि पेटेंट में तो छूट नहीं मिलेगी, लेकिन आप अपने कंट्रीज में एक लाइसेंस इशू करा सकते हैं जिसके द्वारा आप अपनी कंट्रीज में वैक्सीन्स को इंडिजीनियसली एक्सेप्ट कर सकते हैं। द एलिजिबिलिटी कंडीशन सीम्स टू हैव बीन इंट्रोड्यूस लिमिट चाइना एक्सपेंशन इन द ग्लोबल वैक्सीन मार्केट। आप सब जानते होंगे चाइना से ही वुहान से ही ये क्या हुआ था, वायरस आया था, तो चाइना की मार्केट इस टाइम पर उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़ने को देखने को मिली थी। WTO के अकॉर्डिंग 33.7% January 31, 2022 में ये इतनी ज़्यादा इंक्रीज चाइना की जो मार्केट थी वो इंक्रीज हो गई थी। अब द प्लान एडमिशन बाय द यूरोपियन यूनियन अबाउट द एडमायरेशन ऑफ एन कंपलसरी लाइसेंस वुड मेक इट डिफिकल्ट टू स्केल अप प्रोडक्शन ऑफ COVID-19 वैक्सीन। यानी कि जो यूरोपियन यूनियन ने जो सॉल्यूशन दिया है ये थोड़ा सा डगमगार सा दिख रहा है, क्योंकि पेटेंट राइट को नहीं दे पा रहे आप, जबकि इंडिया और साउथ अफ्रीका ने अमरीका ने यही डाला था कि हमें क्या कहना है पेटेंट राइट मिल जाए, जबकि यूरोपियन यूनियन ने कॉम्प्रोमाइज आउटकम्स दे दिए। ये COVID-19 वैक्सीन को ज़्यादा इस चीज़ से बेनिफिट नहीं मिलेगा, मेडिसिंस मेडिकल डिवाइसेस सिर्फ डेवलपिंग वर्ल्ड में ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे डबल प्राइस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा है उसका प्राइस हाई होता है US की जो वैक्सीन है। इंडिया एंड साउथ अफ्रीका कुड जियोपर्डाइज देयर हाई मॉरल ग्राउंड विच दे हैड गेन देयर थ्रू देयर अटेम्प्ट टू मेक मेडिसिन एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स नेसेसरी फॉर COVID-19 ट्रीटमेंट ऑन कंटेंटमेंट एज ए ग्लोबल पब्लिक गुड्स। ये इस आर्टिकल में बताया कि किस तरीके से पेटेंट राइट में थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए। तो आई होप गाइज, क्योंकि ये क्या हुआ था सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो एडिटोरियल था हमारा जो द हिंदू में आया था, फिर आगे से हम और भी ज़्यादा एडिटोरियल्स को देखेंगे। और आज हम एक आर्टिकल्स को भी समझ लेते हैं, ये न्यूज़ में है बहुत दिनों से, कश्मीर फाइल्स के आप बारे में आप जानते होंगे, एक मूवी है जिसमें पंडित जेनोसाइड को लेकर बात चल रही है, उसमें उसके ही रिलेशन में क्या कर दिया राजस्थान के कोटा सिटी में 144 धारा लगा दी गई है जिससे क्या हो वहाँ पर दंगे होंगे ना हो। तो ये धारा 144 कब से कब तक लगेगी, 22 मार्च से यानी कि इम्पोज हो चुकी है कल से ही, अप्रैल 21 तक ये लगेगी, क्योंकि क्या हो रहा है इस चीज़ के मेंटेन कर सके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकें, और कश्मीर फाइल्स में पंडित जो जेनोसाइड दिखाया उस चीज़ को लेकर हर जगह इसमें क्या हो रहे हैं दंगे से हो रहे हैं थोड़े से, तो इसलिए वहाँ पर क्या कर रही है गहलोत सरकार ने सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया। ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी फेस्टिवल देखने को मिलेंगे आपको कोटा सिटी में, इसलिए वहाँ पर एक मंथ पहले ही क्या कर दिया है थोड़ा से प्रोहिबिशन लगा दी, यानी कि थोड़ा सा मना कराया कि आप लोगों से के बाहर मत निकलो आप। इंडिया टुडे में भी आया था कश्मीर फाइल्स के ऊपर सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है, इन्फोर्स कर दिया गया है राजस्थान के कोटा सिटी में जो फिल्म स्क्रीनिंग को देखकर। इसमें कोई फिल्म पर रोक नहीं है कि आप फिल्म देख नहीं देख सकते, फिल्म आप देख सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धारा 144 लगा दिया गया है। तो आई होप गाइज आपको एडिटोरियल समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।